चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर, जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। मान्यवर, एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर, 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट के सामने गया, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला और अंततोगत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है, वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।